दोस्तों स्वागत है आपका कार्स एट द रेट इन्फो के एक और नए वीडियो में। आज हम जिस गाड़ी का वीडियो बनाने वाले हैं वो अभी आपको नेक्सोन में रिसेंटली ही डीजल इंजन के साथ में टाटा ने लॉन्च किया है। जब 3XO मार्केट में आई तो भाई टाटा के पास जो डीजल इंजन में बेस वेरिएंट होता था वो टाटा का नेक्सोन प्योर वेरिएंट होता था। जैसे ही 3XO मार्केट में आई तो भाई टाटा ने भी एक गेम खेला और डीजल इंजन के साथ में इसने अपना एक बेस वेरिएंट लॉन्च किया, एक स्मार्ट प्लस वेरिएंट लॉन्च किया, उसके साथ में आपको सनरूफ के साथ में स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। तो जो सामने गाड़ी खड़ी है वो है भाई टाटा के नेक्सोन का स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट डीजल इंजन के साथ में। तो इस वीडियो में इस गाड़ी के प्राइस, इंजन, फीचर्स, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे। आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख के लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो गाड़ी के अगर हम एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 10,50,000 के एक शोरूम प्राइस में ये गाड़ी आपको मिल जाती है। गाड़ी से रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुनील ऑटोमोटिव की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, जिससे आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो जैसे हम इस गाड़ी के अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइट DRL लाइट्स मिल जाते हैं, साथ में यहाँ टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है जो डुअल सीक्वेंस में काम करता है। देन इसके हेडलाइट्स की बात करें हम तो इसमें आपको जो हेडलाइट्स मिलते हैं भाई वाइट LED में आपको रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट मिलते हैं, इसमें आपको प्रोजेक्टर का ऑप्शन नहीं मिलता। साथ में इस वेरियंट में आपको फॉग लैम्प का भी ऑप्शन नहीं मिलता। फ्रंट में देखें आप जो अपर ग्रिल्स है आपको पियानो ब्लैक कलर्स में मिल जाती है टाटा के लोगों के साथ में। लोअर ग्रिल्स आपको कहना चाहिए कि यहाँ पर ब्लैक मैट कलर्स में मिल जाती है। बम्पर आपको डुअल टोन कलर्स में मिलने वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में, बॉडी कलर्स में कहना चाहिए। कि साथ में इस गाड़ी के अगर हम ओवरऑल विड्थ की बात करते हैं तो आपको जो इस गाड़ी में विड्थ मिल जाती है भाई 1804 mm की, इसमें आपको ओवरऑल विड्थ मिलने वाली है। और इसके हम डायमेंशन की कंप्लीट बात करें, जैसे लेंथ की बात करें तो 3995 mm का इसमें आपको लेंथ मिल जाता है। और व्हील बेस की बात करें इस गाड़ी के तो भाई इसमें आपको जो व्हील बेस मिलने वाला है 2498 mm का। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 208 mm का, इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के इंजन की। इंजन की बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको इंजन सेटअप मिलने वाला है। और इसके इंजन के पावर की बात करें हम तो 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिल जाता है। 1497 cc का इसमें आपको इंजन मिलने वाला है। पावर की बात करें तो 113 bhp का पावर जनरेट करता है। साथ में इसमें 260 Nm का टार्क मिल जाता है। और ARI इसमें जो एवरेज क्लेम करती है भाई 23.23 kmpl का इसमें आपको ARI एवरेज क्लेम करती है। साथ में इस गाड़ी की अगर हम सर्विस की बात करें तो इसमें आपको 3 free सर्विस मिलती है। फर्स्ट सर्विस 2002 month में करानी होती है, सेकंड सर्विस 7000 या 6 month में करानी है। दोनों ही सर्विस में फर्स्ट एंड सेकंड में आपको किसी प्रकार के कोई चार्ज पे करने नहीं होते। एडिशनल अगर आप कुछ वर्क कराते हैं तो उसका आपको पेमेंट करना होगा। साथ में थर्ड सर्विस की बात करें इस इंजन की, 1 year 15,000 kilometer में इसकी गाड़ी की थर्ड सर्विस होती है, जिसमें गाड़ी के ऑयल फिल्टर ये सारी चीज़ें चेंज होती है। पार्ट्स का पेमेंट आपको करना होता है एंड लेबर चार्जेस जो होते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं कंपनी की तरफ से। एडिशनल जो भी कराएंगे आप वेल एडेड काम तो उसमें आपको पेमेंट करना होगा। इस इंजन की एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको भाई एड ब्लू यूरिया जो बोलते हैं वो ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे इसके कंपेयर में हम बात करें दूसरी कंपनियों की तो आपको क्रेटा सेल्टोस में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जिसमें आपको एड ब्लू का ऑप्शन मिलता है जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं। इसमें आपको एड ब्लू का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको विदाउट एड ब्लू रन होता है इंजन। साथ में इसकी वारंटी की बात करें तो 3 year 1 lakh kilometer की इसमें वारंटी मिल जाती है। एक्सटेंड आपको वारंटी कराना है तो 2 साल एडिशनल आप प्लान ले सकते हैं कुछ चार्जेस पे करके। करते हैं भाई गाड़ी के साइड प्रोफाइल के, तो यहाँ पे आपको फेंडर में मोल्डिंग देखने मिल जाएगी ब्लैक मैट कलर्स में। टायर्स की बात करें हम तो रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं चारों आपको। इसमें जो टायर साइज मिल जाता है भाई 195/60R16 का इसमें आपको टायर मिल जाता है। इसमें आपको व्हील कैप का ऑप्शन नहीं मिलता, कंपनी फिटेड इसमें आपको व्हील कैप्स नहीं मिलने वाली है, आपको एसेसरीज डिपार्टमेंट से परचेस करके व्हील कैप लगानी होगी। इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम्स मिलते हैं, फ्रंट ब्रेक आपको डिस्क में मिल जाते हैं। और रियर ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको ड्रम शू का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें रियर ब्रेक आपको डिस्क के साथ नहीं मिलने वाले हैं। मिरर्स की बात करें तो इसमें आपको मिरर्स में टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, पियानो ब्लैक कलर्स में मिरर कैप मिल जाते हैं। साथ में इसमें ऑटो फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता। डोर हैंडल्स की बात करें तो बॉडी कलर्स में इसके डोर हैंडल्स नहीं मिलते, इसमें आपको मैट ब्लैक कलर्स में डोर हैंडल्स मिलते हैं। डोर में आपको ब्लैक मैट कलर्स में क्लाइडिंग्स देखने मिल जाती है। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। साथ में इस वेरियंट में आपको भाई सेकेंड बेस वेरियंट में रूप रेल का ऑप्शन मिल जाता है। रियर्स की बात करें हम तो रियर प्रोफाइल में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कनेक्टिंग टेल लैंप्स, लेकिन आपको टेल लैंप्स LED में मिल जाते हैं और बीच वाला जो एरिया है जो कनेक्ट करता है दोनों लाइट्स को वो लाइट आपकी डमी पीस होती है, इसमें आपको लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता। रूफ रेल का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में यहाँ पे शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन मिल जाता है।
टाटा का लोगो के साथ में आपको यहाँ नेक्सॉन की बैचिंग देखने मिल जाती है बूट में। यहाँ पे आप जो कैमरा देख रहे हैं ये आपको एसेसरीज डिपार्टमेंट से कंपनी फिटेड मिलता है। रिसेंटली टाटा ने इस कैमरे को लॉन्च किया, बेस वेरिएंट में आप ये कैमरे को लगा सकते हैं। कंप्लीट सेटअप इसका कहना चाहिए जो कैमरे का है वो आपको टॉप मॉडल जैसे मिलेगा, अलग से स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो स्क्रीन आती है म्यूज़िक प्लेयर की इंफोटेनमेंट सिस्टम की, उसमें ऑटो प्ले हो जाएगा रिवर्स गियर लगाने पे। रियर बम्पर की बात करें तो इसमें आपको लाइट का सेटअप मिल जाता है, रिवर्स लैंप मिल जाता है, फॉग लैंप मिल जाता है, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, मैट एंड वाइट कलर्स में आपको इसका रियर बम्पर मिल जाता है। नंबर प्लेट लाइट आपको वाइट LED लाइट्स में मिल जाती है। साथ में यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं मिलता। डैशबोर्ड में आपको बूट ओपन करने के लिए एक बटन्स मिलती है। जैसे बूट अपन ओपन करते हैं यहाँ पे तो देखेंगे इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिलती है, इसमें एडिशनल आपको एसेसरीज से लगानी नहीं पड़ेगी, यानी कंपनी की तरफ से भाई आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी। यहाँ पे बूट ओपनिंग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता, अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है, 366 लीटर का भाई इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो नॉर्मल स्टील रिम के साथ में आपको 16 इंचेस का स्पेयर व्हील मिल जाता है। स्पेयर बिल के ऊपर आपको जैक हैंडल ये सारी चीजें मिलने वाली है टूल्स में। साइड में देखें अगर हम लेफ्ट साइड के क्वार्टर पैनल में, तो लेफ्ट साइड के क्वार्टर पैनल में आपको कहना चाहिए फ्यूल फिल करने के लिए फ्यूल फ्लैप का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको 44 लीटर का डीजल टैंक मिलने वाला है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, देखते हैं इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिलता है। उससे पहले हम इस गाड़ी की देख लें तो इसमें आपको एक रिमोट फ्लिप की मिल जाती है और दूसरी नॉर्मल की मिल जाती है। रिमोट की में आपको लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, यानी भाई इसमें आपको बेस वेरियंट डीजल इंजन के साथ जो मिलने वाला है उसमें आपको कहना चाहिए कि फॉलो मी हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। डोर पैड देखेंगे इस गाड़ी के आपको प्रॉपर ब्लैक कलर्स में मिलने वाले हैं, हार्ड प्लास्टिक में। यहाँ पे आपको रियर डोर में पावर विंडो ऑपरेशन बटन्स मिल जाएगी, बॉटल होल्डर का ऑप्शन, स्पीकर की ग्रिल्स मिल जाएगी। साथ में अगर सीट्स की बात करें हम तो प्रॉपर फ्लैट सीट्स मिलने वाली है। रियर में आपको सीट्स में हेडरेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है और अच्छा खासा स्पेस आपको मिलने वाला है रियर में। बैठ के देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको इसकी सीट्स मिलने वाली है, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैट सीट्स मिलने के चलते भाई यहाँ पे 3 लोग ईजिली बैठ के जर्नी कर सकते हैं, कम्फर्टेबल जर्नी होने वाली है इसमें, क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार का सीट्स में हम नहीं मिलता। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और देखते हैं फ्रंट में आपको क्या कुछ मिलने वाला है इस वेरिएंट में। रियर से देखने में भाई कुछ इस टाइप से इसका एकदम अट्रैक्टिव लुक देता है डैशबोर्ड, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दिखता है भाई रियर बैठ के देखने में इसके डैशबोर्ड को। अब चलते हैं भाई फ्रंट में ड्राइवर सीट्स में, देखते हैं आपको और क्या कुछ एडिशनल मिल जाता है इस वेरियंट में। डोर हैंडल में राइट साइड के यहाँ पे आपको मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए मैनुअल लॉक स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे डोर ओपन करेंगे हम तो इसमें आपको देखने मिलेगा भाई 4-डोर पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं, साथ में रियर व्यू मिरर ग्लास एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली स्विच मिल जाता है, बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, 4 स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। सीट्स की बात करें तो इसमें आपको हेड एडजस्टेबल लीवर का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्रंट सीट्स में भी आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के हम स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें भाई आपको 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है न्यू वाला, साथ में यहाँ पे एलुमिनेटेड लोगो का ऑप्शन मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील कहना चाहिए कि आपको एडजस्टेबल मिलने वाला है, आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता। क्लस्टर मीटर की बात करें हम तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल क्लस्टर मीटर मिल जाता है। इस बटन से आप प्रेस करके ट्रिप चेक कर सकते हैं और इससे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ट्रिप रिसेट हो जाएंगे। साथ में लाइट के कंट्रोल्स की बात करें तो राइट साइड में मिल जाएंगे, इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है और वाइपर के कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में मिलने वाले हैं। 7 इंच का इसमें आप हरमन का म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले का ऑप्शन मिल जाता है। इस गाड़ी में रिवर्स कैमरे का ऑप्शन कंपनी फिटेड नहीं आता, आपको गाड़ी परचेस करके रिवर्स कैमरा एसेसरी डिपार्टमेंट से लगाना है जो आपको प्रॉपर कंपनी फिटेड मिलेगा टॉप मॉडल टाइप का। जैसे मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा इस वेरियंट में आपको रिवर्स कैमरा लगा हुआ है, जिस भी कस्टमर ने बुक कराया है तो भाई उसने इसमें रिवर्स कैमरा लगाया है जो प्रॉपर कंपनी फिटेड मिलता है। काफी अच्छी क्वालिटी में आपको इसमें स्क्रीन पे ये सेटअप मिलने वाला है। साथ में इस वेरियंट में यहाँ पे एसी के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हैजार्ड लाइट, बूट ओपनिंग बटन्स मिल जाता है, कुछ यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको चार्जर का भी ऑप्शन मिल जाता है, एक USB और एक 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। नेक्सॉन के अगर पेट्रोल वेरिएंट में बात करें हम स्मार्ट प्लस और स्मार्ट की, तो इसमें आपको 5 गियर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन डीजल में आपको 6 गियर का ऑप्शन मिलता है, एक रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे कुछ यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है, यहाँ कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, डैशबोर्ड आपको प्रॉपर ब्लैक मिल जाता है, मैनुअल यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर के साथ में ORBM मिल जाता है, वाइट LED लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सनरूफ की बटन्स मिल जाती हैं, ब्लूटूथ का माइक मिल जाता है, पैसेंजर एयरबैग के इंडिकेटर
नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस बटन से हम देखेंगे इसका सनरूफ ओपन हो जाएगा। काफ़ी वाइड ओपनिंग इसके सनरूफ की मिलने वाली, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, इजीली कोई भी आदमी बाहर निकल सकता है इसके सनरूफ से। ग्लोबॉक्स की बात करें तो यहाँ से आप बटन को प्रेस करेंगे तो इसका ग्लोबॉक्स ओपन हो जाएगा। काफ़ी डीप स्टोरेज में इसका ग्लोबॉक्स मिलने वाला है, ग्लोबॉक्स ओपनिंग लैम्प का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। भाई ये कुछ इस टाइप से इस गाड़ी की डिटेल्स हुई। सेफ्टी की बात करें तो 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप में इसकी सेफ्टी रेटिंग है, साथ में 6 एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है और ब्रेक में आपको ABS, EBD सारी चीज़ें मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है भाई ये गाड़ी।